खबर अब जालौर के सांचौर से, जहां पर एसबीआई बैंक हादसा मामले में बिल्डिंग का मालिक पर लापरवाही का मामला दर्ज हो गया है। इमारत के मालिक ने कहा कि बैंक को 2018 में ही खाली करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन नवंबर 2022 तक करार होने से इमारत खाली नहीं की गई। बता दें कि 2015 और 2017 की बाढ़ में आधा भवन डूब गया था। उसी जर्जर भवन का छज्जा गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद जनप्रतिनिधि, व्यापारी और परिजन उपखंड मुख्यालय के समक्ष बैंक प्रशासन के आगे धरने पर बैठ गए। सूचना पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार वासु धरनास्थल पहुंचे और धरनार्थियों से वार्ता कर समझाइश की। साथ ही पुलिस प्रशासन ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन शव लेने को राजी हुए। इस पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिए। तो वहीं मंत्री सुखराम विश्नोई के पुत्र डॉक्टर भूपेंद्र विश्नोई ने मौके पर अपने एनजीओ की ओर से तीनों मृतकों के परिजनों को अलग अलग 2,51,000 रुपए देने की घोषणा की। दूसरी ओर सांचौर नगर पालिका अध्यक्ष नरेश सेठ ने भी मृतकों के परिजनों को 1,00,000 रुपए की आर्थिक मदद करने की घोषणा की। साथ ही शहर के भामाशाहों ने भी मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। परिजनों की जो मांग पत्र था, सबसे पहले वो यहाँ एसडीएम साहब को उन्होंने दिया, उसमें उनकी मांग वाजिब मुआवजे की थी और जो कानूनी कार्रवाई जो बनती है केस दर्ज करने की थी, ये मुख्य मांगे उनकी थी, जिस पर पुलिस विभाग द्वारा मुकदमा ऑन द स्पॉट दर्ज कर दिया गया था और मुकदमा तफ्तीश में जाएगा, उसमें जो भी होगा वो कार्रवाई रहेगी। उसके बाद जहाँ तक मुआवजे और कंपनसेशन या आर्थिक लाभ परिवार परिजनों को देने के लिए जो डिमांड थी, उसमें राज्य सरकार की तरफ से जो मुख्यमंत्री सहायता कोष में इसमें बनता है, उसके लिए हमने आश्वस्त किया है कि हम बिल्कुल उसको शीघ्र अतिशीघ्र सारी फॉर्मेलिटीज, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, FIR की कॉपी है, वो दस्तावेज हम अभी कलेक्ट कर रहे हैं और उसमें हम त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए मुआवजा हम उपलब्ध कराएंगे। प्रशासन को ये दुखद घटना है, परिजनों को सांत्वना दी और उसके लिए हमने खेद व्यक्त किया है और बाकी जो मुआवजा वगैरह है, ये सारी कार्रवाई और परिजनों के साथ पूरा प्रशासन है और जो भी उनकी सहायता नियमों में आएगी उनको उपलब्ध कराएंगे और जो पुलिस अपना काम कर रही है। अभी इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक के परिजन द्वारा दी गई है, जिसमें आज क्योंकि मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर उनका ये धरना समाप्ति के बाद में बॉडीज उनके परिजनों को सुपुर्द की गई है, उनका दाह संस्कार हो रहा है। इस संबंध में हम जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू करेंगे, अनुसंधान से जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुसार अग्रिम विधि कार्रवाई करेंगे। सर, अभी प्रथम दृष्टया किन 2 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है? FIR में जो फैक्ट्स है उसमें उन्होंने बिल्डिंग ऑनर और बैंक के संबंध में कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, तो जो भी कल्पेबिलिटी होगी इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट आएंगे।